हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो क्या बात है समर बाबू, नई बाइक, नया सफ़र, नया पार्क और यहाँ पे नए बच्चे की प्लानिंग भी, पर अफसोस वही पुरानी गुनगुन। पर कोई बात नहीं, जो भी है बढ़िया है। और यहाँ पे राधिका के डर से आराम से बाहर मिल रहे हो राधिका को, ताकि पता ना चले। यहाँ पे प्रैंक वीडियोस बनेगा, बहुत कुछ होगा, कितने सारे प्लानिंग्स हो गए। तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, और ये लड़की पति को जेल में भेज दी है और यहाँ पे अपने एक्स हस्बैंड के साथ बैठ के फिर से बेबी के संग प्लानिंग हो रही है। वाह क्या बात है, बेबी यही टमी में था, बेबी तकिया चादर जो भी था सब हट गया, फिर से नया बांधने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे गुनगुन तुम तो इतनी बेशर्मों में से हो, पहले बच्चे में जब तुम्हारा पति, जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड समर, मना कर दिया कि मेरा बच्चा नहीं है, वो सब शायद तुम भूल गई हो। अभी तुमको फिर से समर के साथ रहने का मन है, फिर से तुमको बेबी का मन है, सब कुछ फिर से हो रहा है। तो अब की बार तुम ना बहुत ज़्यादा मुँह की गिनने वाली हो, क्योंकि ये आदमी जो है, ये आदमी मौका परस्त आदमी है। ये कभी भी ना तुम्हारा साथ देने वालों में से नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुमने ऐसे काम कर दिए इसलिए हमारा घर नहीं बच सका। अरे भाई, निभाना नहीं आता है तो बेकार का बको मत। तुम चले गए डिप्रेशन में, तुम्हारे ये राधिका को तुम्हारी माँ ला के खड़ा कर दी, और यहाँ पे वो बिचारी जिसको कुछ नहीं मालूम, उसके पीठ पीछे तुम लोग ये सब हाल कर रहे हो। और ये मैडम जी बोल रही है कि तुम्हारी बीवी फिर से बात सुनाएगी, तुम्हारी बीवी को बात नहीं सुनाना चाहिए, हम लोग ऐसे मिला रहे। भाई क्यों, तुम्हारा पति ध्रुव, उसके संग अगर रोशनी बैठ के थोड़ा बात कर लेती तो तुम तो इतना बवाल कर देती। और यहाँ पे जब तुम अपने एक्स हस्बैंड के संग बात करोगी, घूमोगी फिरोगी, पार्क में जाओगी, तो उसकी वाइफ्स को कुछ नहीं बोलेगी। ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ की नीति है। तुम गुनगुन कभी सुधरने वालों में से नहीं हो। और ये आदमी, ये तो इतना बेकार का आदमी है, इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। कैरेक्टरलेस आदमी से भी बदतर आदमी है ये। मतलब कैरेक्टरलेस आदमी भी ना थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की कोशिश करते कि चलो भाई हम थोड़ा सुधर जाए, पर ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलते नहीं कुत्ते का डूम टेरा का टेरा ही रहता, कभी सीधा नहीं हो सकता, वही हाल इस समर का है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, और यहाँ पे इनकी प्लानिंग कितनी आगे आगे रंग लाती है। तो चलिए, इसमें ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हो गया, बैकग्राउंड से अनाउंसमेंट हो गया।